तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों 2016 के पहले के जितने भी पेंशनर्स हैं, जितने भी रिटायर कर्मी हैं, वो बार बार पूछते रहते हैं कि मेरी पेंशन सातवें वेतन आयोग में कैसे किस प्रकार से रिवाइज की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपकी पेंशन सातवें वेतन आयोग से में किस प्रकार से रिवाइज की जाएगी। आप चाहे कभी भी रिटायर हुए हों, चौथे वेतन आयोग, पाँचवें वेतन आयोग या छठवें वेतन आयोग से कभी भी रिटायर हुए हैं, तो आपके पेंशन का रिविजन सातवें वेतन आयोग में किस प्रकार से किया जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन आएगा तो उसको दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए, तभी आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी और आप सभी वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों 2016 की पेंशन भोगियों का पेंशन किस प्रकार से रिवाइज किया जाएगा उसके बारे में जो सर्कुलर गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया था उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार से आपकी पेंशन का रिवीजन होगा पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा। जो 2016 के पहले के पेंशनर्स हैं उनके बेसिक को 2.57 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 7 CPC के एग्जिस्टिंग पे बैंड में लाया जाएगा और उसको उसका हाफ उनकी पेंशन होगी और 30% उनकी फैमिली पेंशन होगी। इसके साथ ही साथ कहा गया था कि नोशनल पे फिक्सेशन के हिसाब से रिवीजन किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जो टेबल जारी किया गया था पेंशन को लेकर उसके हिसाब से संशोधन किया जाएगा। जो कर्मचारी 1 जनवरी 1996 के पहले रिटायर हो गए हैं तो उनके लिए भी इसी टेबल को आधार बनाकर उनका फिक्सेशन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे एक कर्मचारी का एग्जाम्पल लेता हूँ जो पाँचवें वेतन आयोग से रिटायर हुए थे। तो पांचवें वेतन आयोग से रिटायर कर्मी का सातवें वेतन आयोग में पेंशन का संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, चलिए इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अगर पांचवें वेतन आयोग से अगर रिटायर कर्मी है तो सातवें वेतन आयोग में उनके पेंशन का संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा। तो मैं एक पर्टिकुलर बेसिक के आधार पर बताऊंगा, तो आप अपनी बेसिक के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि उसी प्रकार से नियम वही रहेगा, केवल आपको समझना है कि किस प्रकार से संशोधन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पांचवा वेतन आयोग 1 जनवरी 1996 से लगा था, मतलब जनवरी 1996 से लेकर दिसंबर 2005 के बीच जो कर्मचारी रिटायर हुए थे तो पांचवें वेतन आयोग में थे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पांचवा वेतन आयोग में किसी कर्मचारी की पे स्केल 10,000 से लेकर 15,200 तक थी और लास्ट पे ड्राउन था 11,300 था। तो यहाँ पे आप अपनी बेसिक के हिसाब से समझिए, फार्मूला सेम है, आपको फार्मूला सेम है, केवल अपनी बेसिक यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिया है, आप अपनी बेसिक के हिसाब से इसको समझिए। जैसे आपकी लास्ट पेड्रॉन थी 11,300, तो अब इसका फिक्सेशन कैसे होगा, चलिए थोड़ा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 3 स्टेप बताऊँगा, 3 स्टेप के माध्यम से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर पहला स्टेप है, इनकी जो लास्ट पेड्रॉन थी पांचवें वेतन आयोग में जो लास्ट पेड्रॉन थी उसमें क्या करना है, 1.86 से मल्टीप्लाई करके छठवें वेतन आयोग में लाना है। मतलब जो छठवें वेतन आयोग में लाने के लिए क्या फिटमेंट फैक्टर था, 1.86। जो पांचवें वेतन आयोग से रिटायर कर्मी है जब छठवें वेतन आयोग में आएंगे तो 1.86 फिटमेंट फैक्टर का यूज करके छठवें वेतन आयोग में वो आएंगे, क्योंकि ये पांचवें वेतन आयोग से छठवें वेतन में पहले जाएंगे उसके बाद सातवें वेतन में जाएंगे, इसलिए पांचवें वेतन आयोग की लास्ट पेड्रॉन में 1.86 से गुणा करके छठवें वेतन आयोग में लाया जाएगा, उसके बाद 2.57 से गुणा करके सातवें वेतन आयोग में लाया जाएगा। चूंकि इनकी लास्ट पेड्रॉन थी 11,300 पांचवें वेतन आयोग में, तो लास्ट पेड्रॉन में 1.86 से गुणा किया जाएगा, क्योंकि छठवें वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर का यूज करना था। तो आप अपनी बेसिक जो आपकी लास्ट बेसिक ड्रॉन थी उसमें 1.86 से गुणा कीजिए। अब गुणा करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें ग्रेड पे को ऐड करना है, आपका जो भी ग्रेड पे था उसको उसमें ऐड करना है। तो जो अमाउंट आएगा वो हो गया छठवें वेतन आयोग के हिसाब से नोशनल पे। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, पहला स्टेप में आपको आपकी लास्ट पे डाउन थी तो उसमें 1.86 से गुणा करना है और उसमें ग्रेड पे को ऐड कर देना है, ये स्टेप वन हो गया। अब चलिए देख लेते हैं कि स्टेप टू क्या है। स्टेप टू में अभी हमने क्या किया था, 1.86 से गुणा करने के बाद और ग्रेड पे जोड़ने के बाद जो अमाउंट आया अब उसमें क्या करना है, 2.57 फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था इसलिए सातवें वेतन आयोग में लाने के लिए 2.57 से गुणा करना है।
1.86 से गुणा करने के बाद और ग्रेड पे जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें 2.57 से गुणा करना है। अब जो अमाउंट आया उस अमाउंट को सेवेंथ पे के एग्जिस्टिंग टेबल में लेके जाना है। अगर उस टेबल में वह अमाउंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके आगे वाला अमाउंट लेना है, वो हो जाएगी आपकी नोशनल पे फिक्सेशन। तो उसके आगे वाला अमाउंट आपको लेना है। तो ये हो गया स्टेप टू। अभी स्टेप थ्री लास्ट क्या करना है, अब इस अमाउंट का आपको हाफ कर देना है। इस अमाउंट का हाफ हो गया आपका पेंशन। जी हाँ दोस्तों, ये अमाउंट होगी आपकी पेंशन और 30% इस अमाउंट का आपका हो गया फैमिली पेंशन। दोस्तों आपको तीनों स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे करना है। मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि आपको क्या करना है कि पांचवें वेतन आयोग से छठवें वेतन आयोग में लाने के लिए 1.86 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें ग्रेड पे को जोड़ना है और जो अमाउंट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ना है। अब जो अमाउंट आया उसको ले जाना है 2.57 से गुणा करके सातवें वेतन आयोग में उसी टेबल में लेके जाना है और उस टेबल में जो अमाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो उसके आगे वाला अमाउंट पकड़ना है और उस अमाउंट का हाफ आपकी बेसिक आपकी पेंशन हो जाएगी और उसका 30% आपका फैमिली पेंशन हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूं कि 31 दिसंबर 2015 को किसी पेंशन भोगी की बेसिक पेंशन समझो 9000 रुपये थी तो उसमें 2.57 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कम्यूटेशन करने के पहले का जो आपका बेसिक था वो लेना है। कम्यूट करने के बाद आपकी पेंशन कम हो जाती है तो कम्यूटेशन करने के पहले का जो आपका बेसिक पेंशन था उसमें 2.57 से गुणा किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं तो किसी का बेसिक पेंशन था 9000 रुपये और उन्होंने 40% पेंशन कम्यूट किया था यानी 40% पेंशन बेचा था तो 9000 का 40% हुआ 3600। अब 9000 में 3600 घटा देंगे तो आ गया 5400 रुपया। तो कम्यूटेशन करने के बाद ये अमाउंट आपकी पेंशन हो जाएगी। पर यहाँ पे कहा गया है कि कम्यूटेशन करने के पहले का जो आपका बेसिक पेंशन था वो लेना है। जैसे कि यहाँ पे 9000 उनकी बेसिक पेंशन थी कम्यूट करने के पहले तो 9000 लिया और उसमें 2.57 से गुणा किया जाएगा। तो 9000 लेना है और उसमें 2.57 से गुणा करना है। अब आया 23130 रुपया। अब ये अमाउंट सातवें वेतन की मैट्रिक्स टेबल में देखना है। आप जिस पे स्केल से रिटायर हुए हैं, जिस ग्रेड पे से रिटायर हुए हैं तो उसी ग्रेड पे वाले कॉलम में ये अमाउंट को ढूंढना है। अगर ये अमाउंट नहीं है तो उसके आगे वाला अमाउंट लेना है। जैसे कि इस कर्मचारी के केस में इनका 2800 की ग्रेड पे से रिटायर हुए हैं तो 2800 की ग्रेड पे वाले कॉलम में देखना है। जहाँ पर ये अमाउंट देखेगा तो उतना ही आपकी पेंशन हो जाएगी। अगर ये अमाउंट उसमें नहीं दिखता है तो उसके आगे वाला ज़्यादा वाला अमाउंट कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि सेवेंथ पे कमीशन का जो सर्कुलर जारी किया गया था तो सेवेंथ सीपीसी के अनुसार ये जो टेबल आप देख रहे हैं बहुत सारे टेबल बनाए गए हैं, टेबल नंबर 1 से लेकर 24 टेबल तक है। तो जितने भी टेबल है सब में आपका पेंशन किस प्रकार से रिवाइज किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। आपको मैंने जो एग्जांपल बताया उसी एग्जांपल का इसमें उपयोग किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चौथे वेतन आयोग में इतनी पेंशन इतना पे स्केल था तो पाँचवें वेतन आयोग में ये किस प्रकार से किया गया और छठवें वेतन आयोग में किस प्रकार से लेके गया और सातवें वेतन में किस प्रकार से लिया गया। तो ये एग्जाम्पल मैंने था उसी प्रकार से ये टेबल बनाया गया है। तो उसी टेबल के आधार पे आपको पता करना है कि आपकी पेंशन कितनी बनेगी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों को उनकी पे स्केल और बेसिक पे जो होती है वो भूल जाते हैं, उनको मालूम नहीं रहती है। तो वे लोग अब इस टेबल के हिसाब से देख सकते हैं, कुछ अंदाजा उनको होगा तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कौन से टेबल में थे, कौन सी पे स्केल में थे, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको। और जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर चौथे पांचवें या छठवें वेतन आयोग से रिटायर हुए हैं तो उसी प्रोसीजर का यूज करके आप पता कर सकते हैं कि आप कौन से टेबल में आएंगे और कौन सी आपकी पेंशन होगी और क्या आपकी फैमिली पेंशन होगी। यहाँ पे सभी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक पे दिया गया है इतनी 1996 से 1995 के बीच का बेसिक पे दिया गया है। यहाँ पे 96 से लेकर 2005 के बीच यानी हर वेतन आयोग का यहाँ पे दिया गया है और लास्ट में रिवाइज पेंशन और फैमिली पेंशन यहाँ पे दी गई है। तो इसमें कुछ डाउट नहीं होगा मुझे लगता है। यहाँ पे सभी टेबल के बारे में बताया गया है। तो पर्टिकुलर कौन से टेबल के बारे में आप जानना चाहते हैं अगर कमेंट करेंगे तो मैं अलग से चाहिए तो वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
तो आप बताइए कि कौन से टेबल के बारे में आप जानना चाहते हैं। सभी टेबल के बारे में बताया गया है। अगर टेबल आपको नहीं पता है तो भी आप अपनी बेसिक पेज के लिख दीजिए कमेंट में, तो आपको चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।